श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन तडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया। नमो आयरियाणु नमो वज्जायाणु नमो लोये सर्वसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज के, जगत पूज्य निर्यापक श्रीमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य इलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री प्रियंका जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करती हूँ। महाराज श्री 5 साल से दस लक्षण कर रही हूँ, निर्जल और एक टाइम पानी कभी कभी ले लेती हूँ। महाराज श्री जिज्ञासा यह है कि इस दौरान यदि हमारी अशुद्धि हो जाए तो हमको फिर क्या करना चाहिए, क्या वो व्रत माने जाएंगे कि छोड़ देना चाहिए? माने जाएंगे, उस समय आप पूजा पाठ न करके अपनी क्रियाएं करते रहे। संजय जैन न्यू पलासिया इंदौर से नमोस्तु गुरुदेव। चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, उसमें आखिर में आता, आखिरी में होए कुबेर समान जन्म दरिद्र होए क्या, यह लाइन उचित है क्या, ये पढ़ना चाहिए हमको? होए कुबेर समान जन्म दरिद्र होए, कौन से चालीसा में आता है पता नहीं चल रहा। अब देखो चालीसा है ये जो आशीर्वाद वाली लास्ट की पंक्ति है उसमें है कि जो जन्म से दरिद्री हो। तुम भी तो उसके लोभ के बिना पढ़ोगे नहीं ना, इसलिए वो चॉकलेट रख दी गई। मोक्षा जैन अहमदाबाद गुजरात नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कुबेर जो है सम्यक दृष्टि जीव है, एक भवतारी होता है कुबेर। स्वधर्मंद लोकांतिक आदि देवों का यदि भाव किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज ने भी मुनि महाराजों के लिए कहा कि आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनि देवत्तम इंद्रत्तम लोहत्तम देव इंद्र लोकांतिक देव आदि पद प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार चालीसा में यदि कुबेर स्वधर्म लोकांतिक आदि की भावना भाई है तो कोई इस कलयुग के लिए ये अच्छे पद माने जाते हैं। दस लक्षण पर्व क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम समझना चाहते हैं, हमें कहीं मिला नहीं है। दस लक्षण पर्व अपने आप में दस धर्मों का प्रतीक है, इसके संबंध में दस लक्षण की एक व्रत कथा है। उस कथा के अंदर किसी ने व्रत रूप में इसको किया और उसका फल उसे शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति हुई, उस कारण से दशलाक्षण पर्व साल भर में 3 बार आते। दशलाक्षण पर्व दूसरा ज्योतिष के अनुसार पूरे साल भर के अंदर 10 दिन सबसे ज़्यादा निकृष्ट ग्रहों का प्रकोप रहता है, और वो निकृष्ट प्रकोप क्या करते हैं, जितना जितना तुम सांसारिक कार्य करोगे वो तुम्हारा उल्टा विनाश करेंगे, नुकसान करेंगे, और उस समय उनके किए हुए कार्य को आपके लिए बहुत हानि होगी। क्योंकि ये पहली बार तो पूरे महीनों में 12 महीनों में सबसे निकृष्ट महीना भाद्र पक्ष का है, कोई भी किसी भी प्रकार का मुहूर्त इस भाद्र पक्ष में नहीं बनता है। उसमें भी ये 10 दिन होते हैं,
इस दिन जो ज्योतिष की और भौगोलिक स्थिति रहती है बहुत विपरीत रहती है। इस समय यदि व्यक्ति कोई सांसारिक पारे या पाप आदि प्रवृत्तियां करता है तो वो डबल नुकसानदायक होती है। इसलिए इस समय जो निकृष्ट मुहूर्त होते हैं उस समय धर्म करने की विशेष कहा जाता है, और उस समय यदि तुम धर्म करोगे तो उल्टा होता है। पर्व के दिनों में धर्म करोगे तो धर्म बहुत तेजी से फलता है, और पर्व के दिनों में कर्म करोगे तो तेजी से डाउनफॉल आता है। यहाँ तक लिखा है कि 6 महीने में जो धार्मिक कार्यों से सिद्धि होती है वही धार्मिक कार्य पर्व के दिनों में 8 दिन किया जाए तो 6 महीने का कार्य 8 दिन में हो जाए। जैसे अष्टमी चौदशी अष्टान का पर्व, इनको भी पर्व ही रूप लिया है। तो पर्वों का जो एक विशेष महत्व, पर्व का अर्थ होता है पवित्र। पवित्र कार्य करोगे तो दिन दूने रात चौगुने बढ़ोगे, और पर्व के दिनों में अपवित्र कार्य करोगे तो दिन दूने रात चौगुने गिरोगे। इसलिए चाहे अष्टमी हो, चाहे चौदस हो, चाहे अष्टान का हो, चाहे दशलाग, इन पर्वों में तुम्हें विशेष धर्म करने को कहा जाता है। विशेष धर्म, 7 दिन का किया हुआ धर्म और 1 पर्व के दिन का किया धर्म बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए 10 दिन ऐसे पर्वों के हैं, इसमें जितना व्यक्ति तुम सांसारिक कार्यों से निर्वृत्त हो गए, जितना, यहाँ तक कि भोजन से भी, यहाँ तक कि कपड़ों से भी, यहाँ तक से मकान में झाड़ू लगाने से भी, यहाँ तक कि कपड़े धोने से भी, यहाँ तक कि बाल बनाने से भी, यहाँ तक कि सब्जी खाने से भी, यहाँ तक कि आपके सोने से भी, जितने तुम्हारे गृहस्थ के कार्य हैं इन पर्व के दिनों में करने पर ये बहुत नुकसानदायक होते हैं। आपको मालूम होगा कि पहले लोग 10 लाक्षण पर्व में साबुन नहीं लगा देते। आज सारे कपड़े धो करके सब के रखे जाएंगे, 10 दिन में 1-1 जोड़ी निकालते जाएंगे और 1-1 जोड़ी पहनते जाएंगे, साबुन नहीं लगाए। 10 दिन नहाने में साबुन नहीं लगाते, 10 दिन दाढ़ी बाल नहीं बनाएंगे, और दिन 365 दिन बनाएंगे, 10 दिन के लिए हरी नहीं खाएंगे, 10 दिन के लिए भोजन में जितने कम से कम में चले, 1 बार में चलेगा तो 1 में चलाएगा, वो भी यदि चल गया तो पूरा उपवास करेगा। इन साल भर 355 दिन में भोजन करना और 10 लाक्षण पर्व में गृहस्थों के लिए भोजन करना बहुत नुकसानदायक है। इसलिए 10 लाक्षण पर्व में सबसे पहले ताकत लगाओ, उपवास करना है। नहीं बनता है तो फलाहार ले लो, नहीं बनता है तो एकासन करो, नहीं बनता है तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो बार बार खाने का 10 दिन, यानी ये 10 लाक्षण पर्व खाने पर भी तुम्हें नुकसान करेंगे। यानी 10 लाक्षण पर्व में जो व्यक्ति स्वच्छंद पूर्वक जब चाहे जब खाता है तो ऐसे कर्म का बंद होगा कि वो खाने लायक ही नहीं रहेगा। साल भर में नहीं, साल भर में तुम खा रहे पी रहे उससे नहीं, पर्व के दिनों में जब चाहे तुम जहाँ चाहे, पर्व के दिनों में यदि तुम होटल में बाजार में खाओगे तो ऐसी बीमारी हो जाएगी कि खाने की स्थिति ही नहीं रहेगी तुम्हें। इसलिए पर्व के दिनों में कहा शुद्ध करो, कम करो, जितना कम कर सको उतना करो। कपड़े पहनना है पर्व के दिनों में, सबसे कम कपड़े पहनो। ज़्यादा कपड़े पहनोगे ऐसी दशा बीमारी हो जाएगी, कपड़े पहनने लायक ही नहीं रहोगे, ये दशा हो जाएगी। पर्व के दिनों में तुम एदवा तदवा घास पर दुनिया भर के कार्य करोगे, सौंदर्य प्रसाधन आदि, सौंदर्य प्रसाधन आदि साल भर लगाए, 10 लाक्षण पर्व में यदि प्रसाधन के साधन लगाए तो ऐसा रूप मिलेगा कि फिर फेयरन एंड लवली भी काम नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, कालिया दी ब्लैक बोर्ड, अब लगाओ क्या लगाओगे, क्योंकि तुमने पर्व के दिनों में श्रृंगार किया था, पर्व के दिनों में तुमने अपने जो ब्यूटी पार्लर गए, पर्व के दिनों में आपने प्रसाधन के साधन लगाए। पर्व के दिनों में जितनी सादगी, जितनी, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, जितना करोगे उतना दिन दूना रात चौकना पड़ोगे। इसलिए 10 लाक्षण पर्व में देखो, आपके यहाँ परंपरा है साल भर में कभी मंदिर जाए या नहीं जाए 10 दिन में,
साल भर में अभिषेक करे यानी, लेकिन 10 दिन में जरूर करते। साल भर में क्यों, ये सब ऐसे ही नहीं है, रूढ़ियां नहीं है, क्योंकि ये 10 दिन में किया हुआ धर्म साल भर के किए हुए धर्म का बराबर हो जाता है, इतना फलता है पर्व के दिनों में किया हुआ धर्म। इसलिए पर्व के दिनों में दशलाक्षण पर्व आदि में सांसारिक कार्यों को कल से पूर्णतः निवृत्ति करना। साल भर तुम नगर से बाहर घूमने जाए हो, जाते हो, कोई बाधा नहीं, दशलाक्षण पर्व के दिनों में अपना नगर नहीं छोड़ना। कोई विशेष परिस्थिति की छूट रख करके नियम करो कि 10 दिन मैं अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। कोई विशेष ऐसी परिस्थिति आ जाए, हाल ही बीमारी की कहीं कोई परिस्थिति, तो उसकी छूट रख लो, धार्मिक कार्यों की छूट रख लो। पहले के लोग 10 दिन के लिए अपना व्यापार धंधा सब जो सामान लाना है पहले से लाके रख देते थे, और जितना कम तुम व्यापार करो, जितना कम दुकान, पहले तो दुकान पर लग जाता भाई कल से जैनियों का दशलाक्षण पर्व लग रहा है, तो सारे जितने ग्राहक रहते थे वे सब आज माल लेके चले। कम से कम व्यापार करना, करना ही नहीं यदि तुम्हारी इच्छा अच्छी हो, 10 दिन व्यापार करने में तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो तो महानुभाव जब प्रश्न किया है तो अच्छी तरह मान जाओ 10 दिन व्यापार करने ही नहीं। फिर भी करना पड़े तो उतना ही करना जितना जरूरी हो, 2 घंटे के लिए खोल लिया, 4 घंटे के लिए खोल लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं। बाहर जाने का बिल्कुल 10 दिन के लिए त्याग कर दो, मैं अपने नगर से बाहर जाऊंगा नहीं, क्षेत्र न्यास कर दो, मैं वाहन में 10 दिन बैठूंगा ही नहीं, गाड़ी घोड़े को सबको लॉक कर दो, 10 दिन मैं वाहन का प्रयोग नहीं करूँगा, करूँगा तो किसी मंदिर को जाने में, दूर जाने में प्रयोग करूँगा, किसी अच्छे कार्य के लिए जाने में प्रयोग करूँगा, बाकी वाहन का त्याग कर दो। टीवी का घर में टीवी लगाना बिल्कुल बंद कर दो, टोटल के 10 दिन हम टीवी नहीं खोलेंगे, प्रवचन आदि धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़ करके। तो ये बहुत बड़े लॉजिक हैं, ऐसे सामान्य मत मानो इनको। ये तुम्हारी जिंदगी में जो 10 लाक्षण पर्वों में अपने आप को ठीक नहीं कर पाता, वो उसकी दशा ऐसी होती है कि वो किसी लायक ही नहीं रहता, बाद में वो कोई कर्म भी नहीं कर पाएगा व्यापार धंधा में। इसलिए पर्वों का संबंध ज्योतिष से है, पर्वों का संबंध प्रकृति से है, पर्वों का संबंध धर्म से है, पर्व का संबंध सीधा आत्मा के स्वाभाविक परिणामों से है। अमित कुमार जैन भोपाल से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, सहस्त्रकूट में 1008 से ज्यादा प्रतिमा होती हैं क्या? अगर होती हैं तो कितनी होती हैं, क्योंकि मुझे 1054 नंबर मिला है। पहली बात तो है कि जो अभी कह रहा था, इसलिए मैंने 10 लाक्षण शिविर लगाया कि 10 दिन तुम सब कुछ छोड़ करके आए हो, इतनी कमाई करके जाओगे कि साल भर तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरे साल भर धर्म करना और 10 लाक्षण शिविर में 24 घंटे में क्यों कराता हूँ? 24 घंटे तुम्हें धर्म ध्यान में क्यों रखता हूँ? क्योंकि पर्वों के दिन में 10 दिन में किया हुआ धर्म इतना पावरफुल होगा जो साल भर में भी किया हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय प्रकृति और ज्योतिष तुम्हारा साथ देता है। रही बात सहस्रकूट की, सहस्रकूट एक उपलक्षण है, जैसे भगवान के सहस्र नाम होते हैं लेकिन 108 लक्षण कह देते हैं, 1008, और वैसे वो सहस्र नाम ही है, उसका नाम क्या है? सहस्र नाम, और लक्षण कितने हैं? 1008। कोई बात नहीं, 1200वीं नंबर मिले तो भी अवभाग्य मानना, कम से कम मिल तो गया है 24। चंदा मगन जैन मध्य प्रदेश से, नमोस्तु महाराज जी। श्रुत केवली को केवली की संज्ञा, श्रुत केवली को केवली की संज्ञा क्यों देते हैं जबकि उनका मोक्ष जाना नियामक नहीं है? केवली का अर्थ मात है कि संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेना। वो जितना शुद्ध ज्ञान होता है वो पूर्ण ज्ञान होने से केवली संज्ञा है, और ये रूढ़ नाम संज्ञा भी कहलाती है। ब्रह्मचारिणी सिमी सुभी जैन सिवनी से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जिज्ञासा यह है, भोग भूमि के मनुष्य
मरण करके सौधर्म और ईशान स्वर्ग में ही क्यों जाते हैं और कुभोग भूमि के मनुष्य मरण कर कहां जाते हैं? देखो सम्यक दृष्टि जीव जो है वो प्रथम दूसरे स्वर्ग में जाते हैं, चाहे भोग भूमि के हो चाहे कुभोग भूमि के हो। मिथ्या दृष्टि जीव जो है भवनत्रकों में भी जाते हैं, हालांकि मिथ्या दृष्टि भी स्वर्ग में जा सकते हैं, जाते हैं, लेकिन भवनत्रक में भी जा सकते हैं, चाहे भोग भूमि के जीव हों चाहे कुभोग भूमि के जीव हों। प्रथम और द्वितीय स्वर्ग तक अंतिम इनकी गति है। कपिल जैन रहली पटनागंज से, नमोस्तु गुरुदेव। कोई देव मर करके मनुष्य होने वाला है तो विग्रह गति में वो जीव देव पर्याय का कहलाएगा कि मनुष्य पर्याय का कहलाएगा? क्योंकि आलाप पद्धति में कहा है कि जो समय मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति का है वही समय देव पर्याय के नाश का है। वो नई विवक्षा है, नई विवक्षा में और वस्तु स्थिति में अंतर होता है। नई विवक्षा में तो कहा ना कि अभी परिणाम उसने खोटे परिणाम किए तो इसी समय कह दिया भैया वो तो नारकी है, नारकी जैसा माना जाता है। तो नई विवक्षा का दृष्टिकोण होता है, बाकी वास्तविक रूप से देव पर्याय का विनाश और मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति तुरंत एक समय का गैप नहीं है उसमें, गति का उदय आ गया दोनों। उसकी जो आयु कर्म का मनुष्य आयु नाम कर्म का उदय हो गया, मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय, देव गत्यानुपूर्वी नहीं है, मनुष्य गत्यानुपूर्व का। लेकिन आकार कौन सा रहेगा? जो देव पर्याय में उसका आकार था आत्मा के प्रदेशों का आकार वही रहेगा, लेकिन मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु मनुष्य गति ये सारे के सारे विग्रह गति में उदय में आ जाते हैं। औदारिक शरीर नाम कर्म औदारिक शरीर नहीं है, लेकिन औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है। औदारिक अंगोपांग नाम कर्म का उदय अभी नहीं है, लेकिन औदारिक नाम कर्म का उनका उदय है ऐसा मानना। श्रीमती रूबी जैन इंदौर से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव गुरु पुष्य नक्षत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या इस दिन किए जाने वाले कार्यों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? सब लक्षण कहलाते हैं शुभ, इनको पूर्णता हम इनको शुभ नहीं कह सकते, लेकिन इनको अशुभ भी नहीं कह सकते। यदि हमारा उपादान पूर्णता खोटा है, आयु कर्म समाप्त हो भी गया तो अमृत भी पिलाओगे तो मरना है सो मरेगा। इसलिए नक्षत्र आदि से मत समझना कि शुभ, वो गुरुपुख नक्षत्र के अंदर कोई मरता ही नहीं होगा, गुरुपुख नक्षत्र को कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं होगा, गुरुपुख नक्षत्र पे कोई अस्पताल हैं सब खाली हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये सब निमित्त कहलाते हैं। शुभ मुहूर्त कहना, वास्तु कहना, औषधि कहना, भोजन कहना, ये सब निमित्त हैं। भोजन खाने से हम मरेंगे नहीं, शुभ बात नहीं है, लेकिन भोजन आयु कर्म की उदीर्णा को रोकता है। जल्दी मरते थे तो थोड़ा रुक जाओगे, तो उनको निमित्त मानना चाहिए। ये नक्षत्र आदि जो हैं अपने आप में प्रभावकारी होते हैं। तीव्र पाप कर्म उदय हो तो नहीं होंगे, तीव्र पुण्य कर्म का उदय हो तो अशुभ नक्षत्र भी कुछ नहीं कर पाता, ऐसा मानना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे हमारे गुरुवर के अनन्य भक्त, महान वास्तुविज्ञ और जो श्रावक संस्कार शिविर कल से प्रारंभ होगा, उस श्रावक संस्कार शिविर के निर्देशक जिनके निर्देशन पर सभी क्रियाएं यहां पर संपन्न होंगी, ऐसे श्रीमान दिनेश जी गंगवाल जी आज हमारे बीच में हैं, वो प्रथम जिज्ञासा करेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डॉली जैन टीकमगढ़। महाराज श्री के चरणों में यहां विराजित सभी शिवरार्थियों के तरफ से और भारत में फैले हुए पूरे भारत में जहां जहां शिवरार्थी हो उन सबके तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा शिविर को लेकर ही है, कल सुबह आप सब लोग शिविरार्थी आएंगे, किस क्रिया के साथ शुरुआत होगी और इनके साथ महाराज जी
ये तो आ गए, जो आपके हजारों लाखों जो शिवरार्थी अपने ही घरों में बैठे हैं, वे भी बहुत करुणा से आपकी तरफ देख रहे हैं महाराज जी। वे अपनी दिनचर्या कैसे प्रारंभ करें, कैसे ध्यान या कैसे बाकी और सब चीजों में भाग लें, थोड़ा सा उनका मार्ग प्रशस्त करें। होते उनको क्या करना चाहिए उसका एक कॉम्पोनेंट निकलता था। अब पहले क्या थे, भीकम पाठ नहीं थे, भीकम पाठ वो इन सब चीजों का विशेष रूप से लगे रहते, महाराज ये नहीं निकला, ये नहीं निकला। अब आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, मैंने याद नहीं दिया, हमें तो शिविर का याद था, तो शिविर की सारी बातें हो गई। और जो शिविर में भर्ती नहीं है उनके लिए 28 नियम बनाए थे घरों में रहकर। वैसे अभी मैंने बता ही दिया कि व्यक्ति को, हर गृहस्थ को अपनी क्रियाओं को कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो ये 10 दिन के लिए क्षेत्र न्यास करो, विशेष परिस्थिति को छोड़कर कि हम अपने नगर से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा, वाहन का प्रयोग, हिंसक साधनों का प्रयोग, शौक मौज मस्ती का प्रयोग बंद करें, और भी दो टीवी आदि देखना बंद करें, अपने भी कपड़े भी अपने सीमित करें, सादगी पूर्ण कर्मों का प्रयोग करें, प्रसादन के साधनों का प्रयोग नहीं करें, मौन अधिक से अधिक रहें, प्रतिदिन सुबह और शाम जाप दें, मंदिर के हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दें, सुबह भगवान का अभिषेक पूजन करना अनिवार्य है, और प्रत्येक परिवार को 10 लाख क्षण पर्व में जैसे बने तैसे जिस मंदिर में हो पूरे परिवार के साथ एक विधान जरूर करें। और यहाँ पर जो क्लासें आप लोगों को लगेंगी तत्वार सूत्र वगैरह की, वो सारी क्लासें सुबह से जो क्लासें लगेंगी, अभी और शिवरात्रि अभी आने वाले हैं, हम थोड़ा लास्ट में बताएंगे कल क्या करना है। बाकी जो बाहर जो नहीं आ पा रहे हैं महिला पुरुष हैं, उनको अपने घरों का सब खान पान कुछ अंतर लाओ, जो 355 दिन करते रहे हो उसमें कुछ विराम करो, कुछ संशोधन करो और कुछ परिमाण करो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ हो। कुछ 10 दिन ऐसा लगना चाहिए कि हमने अपनी कुछ ज़िंदगी को बदला है, और अच्छा करने का सोचो, और जितने कम से कम काम चल जाए, भोजन में जितना कम, हम कुछ भी नहीं कहते, जितने कम से काम चल जाए उतना लेना, पहनने ओढ़ने में भी जितना काम, वो गद्दा सोने का वो छोड़ करके घरों में भी सभी लोग चटाई और दरी का 10 दिन प्रयोग करें तो अति उत्तम है। उन बिस्तरों पर न सोएं जिनमें 355 दिन सोते आए हैं, उन सोफा सेट आदि पर न बैठें जिन पर 355 दिन बैठते आए, चटाई का प्रयोग करें, दरी का प्रयोग करें, कम से कम उन बिस्तरों का प्रयोग करें। ऐसी प्रकार वाहनों को बिल्कुल लॉक कर दो, मंदिर के लिए जाने को काम आए तो ठीक, और पास में है तो सबसे अच्छा पैदल जाओ, और प्रयोग करना ही है तो जो एक अनिवार्य है जरूरी है उतने का प्रयोग करें, तो इस प्रकार का अच्छा करें, यही है। और वो पंपलेट हो तो निकाल देना, आजकल तो पंपलेट छापने की परंपरा तो वैसे ही खत्म हो गई, क्या करते व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर डाल दो, पुराना पंपलेट पड़ा होगा किसी बार, हाँ तो डाल दो जल्दी भाई सबको घर, अभी तो पहुंच जाएगा तुरंत, पहुंच जाएगा मोबाइल से पहुंच दो। प्रतिक्रमण और सामायिक के लिए भी महाराज जी मोबाइल में, देखो हम पूरा त्याग तो नहीं कराएंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल में लोग धर्म ध्यान पूजा पाठ आदि करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, बस और जो आड़म ताड़म है वो बंद कर। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा करें श्रीमती डॉली जैन टीकमगढ़, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुमचंद जी सराफ। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है, किसी भी परिस्थिति में चाहे सम हो या विषम, मन को शांत कैसे रखें? ये समस्या सारे संसार की है, यदि घर में ही मन शांत हो जाता या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते संयम तो अनुराग। तुम लोग जिस दशा में हो वहाँ शांति होती तो फिर मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। आप लोग 24 घंटे अशांत वातावरण में रहते हो, अब आप जितना अपने मन को समझा सकें,
जितना अपने परिणामों को शांत कर सकें, ये तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर ही आश्रित है। और वैसे इसकी शांति के लिए अभी प्रतिदिन सुबह प्रवचन में बताता ही हूँ, इन प्रवचनों को सुन करके अपने जीवन में उतारो। अभी आपके दैनिक प्रवचन प्रतिदिन आपकी जिंदगी के संबंध में ही चल रहे हैं। यदि ये जो सुबह प्रवचन हो रहे हैं, यदि इतना ही व्यक्ति अपने जीवन में अनुकूल बना ले तो इतनी शांति हो जाए कि शांति ही शांति है। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुमत चंजी सराफ, और तैयार रहे श्रीमती आभा जैन भाग्योदय सागर। हे कलिकाल सर्वभगवत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान की अभिभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, अभी हम संदेश वाहक की हैसियत में एक टेक्टोली से आपके प्रति समर्पण और सिद्धा नतमस्तक होके हमारे परम पूज गुरुदेव श्री अजित सागर गुरुदेव ससंग ने आपके श्री चरणों में बारंबार तीन बार नमोस्तु बोला है। हमने कहा गुरुदेव ये हम कच्छ में कहें, बोले नहीं ये कच्छ में नमोस्तु नहीं, उजागर नमोस्तु करें, तो उनकी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव वहीं पर विराजमान कमेटी के समस्त पदाधिकारी शिवपुरी के और पास के समस्त क्षेत्र के, जिनमें श्री पवन जैन डीजीपी भोपाल, श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, श्री भंडारी जी, श्री पंकज जी, सबके लिए आशीर्वाद आप तो जिज्ञासा करें। और ये इन लोगों का ये कहना है कि गुरुदेव हमारे क्षेत्र पर पधारे, ताकि अभी तो बंजर भूमि में खेती की है, अब हमारी तो ऐसी फसल लहराने वाली है, गुरुदेव के चरण कमल पड़े, ऐसी गुरुदेव की भी टिकटोली से पूरी। हाँ, टिकटोली वहां पर उन्होंने मुरैना मुरैना महाराज हमारे महाराज गए हैं अजय सागर जी। तो महाराज जी को तो वो तो पायलट सागर है, हम तो पायलट सागर कहते हैं कि जब गुरुदेव सुधा सागर जी जाएंगे तो पायलट सागर पहले आगे रहेंगे, उसके बाद फिर गुरुदेव आपके चरण कमल पड़े। गुरुदेव हमारी जिज्ञासा ये है कि अपदेश सुत्त मध्यम आया था विगत शंका जो हमने की थी 22 दिन पूर्व, उसमें द्रव्य सुत भाव सुत आया था, तो गुरुदेव इसमें 923 पुत्रों ने बिना द्रव्य सुत के आलंबन के सीधे भाव सुत में कैसे प्रवेश किया। एक इसी से जुड़ी गुरुदेव ये है कि जो बिना उसके समय सार और प्रवचन सार नियम सार में बार बार ये आता कि नयन नयो के गहन वन में लीन महामुनि राज, तो गुरुदेव वो तो उच्चतम दशा है, वो उच्चतम दशा ये तो चौथे पांचवें सातवें गुण स्थान तक हो सकती है नयो के गहन मन में लीन, पर उच्च दशा में कैसे होगी, ये गुरुदेव इसका थोड़ा सा खुलासा स्पष्ट कर। पहली बात तो है कि जो द्रव्य श्रुत होता है यह प्रत्येक जीव के साथ स्वभाव से ही रहता है। चार पांच ज्ञानों में से द्रव्य और भाव मात्र श्रुत ज्ञान के ही भेद हैं। मति ज्ञान, केवल ज्ञान, अवध ज्ञान, मनापर्य, इनके द्रव्य और भाव भेद नहीं है, मात्र श्रुत ज्ञान में होते। और द्रव्य श्रुत निगोदीय जीव के भी लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग द्रव्य श्रुत होता है स्वभाव से। वहाँ कोई उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौदह, सब जीवों के बाद द्रव्य श्रुत तो होता ही है। अब रही बात कितना द्रव्य श्रुत होता है, तो वह द्रव्य श्रुत जो उनके पास था अनादि मिथ्या दृष्टि थे, वो निगोश से निकल के आए थे, तो भगवान के दर्शन करने मात्र से उनका जो द्रव्य श्रुत प्रकट हुआ, जो क्षयोपशम हुआ, उस क्षयोपशम के बल पर जो दीक्षा लेने नहीं आए थे, वो भरत चक्रवर्ती उन्हें समोषण में लेके गया था, उनको नहीं मालूम था कि अरहंत क्या है, उन्हें मालूम नहीं था कि समोषण क्या है, उन्हें कुछ मालूम नहीं, पिताजी ले जा रहे हैं चलो, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने भगवान का दर्शन किया, दर्शन करके ऐसा द्रव्य श्रुत जागा कि उनके मुख से निकल गया दीक्षाम देही। दीक्षा का जो परिणाम आया, जो उच्चारण किया, यही द्रव्य श्रुत का परिणाम है। और क्योंकि बिना द्रव्य श्रुत के कभी भाव श्रुत होता ही नहीं, तो उसके बाद उन्होंने भाव श्रुत की प्रवृत्ति बनी। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने बिना पढ़े लिखे, जैसे व्यक्ति अष्टम स्थान में प्रवेश करता है,
वो द्वादशांग का पाठ ही हो जाता है। शुक्ले चादे पूर्व विदा, यानी जैसा पहला शुक्ल ध्यान जब होता है अष्टम से, उसमें पूर्व विद हो ही जाता है अपने आप। तो नेचुरल रूप से कई बार क्षयोपशम हो जाता है अपने आप, द्रवसुद का क्षय। पढ़ना ही जरूर नहीं, यहाँ भी बहुत सारे लोग बहुत कम पढ़ते हैं, याद जल्दी हो जाता है। और कई लोग सिर से पहाड़ फोड़ते रहते हैं, तो भी याद नहीं होता है। तो द्रव्य सुत का भी एक क्षयोपशम है और भाव सुत रूप भी क्षयोपशम होता है। नए गहन वन में विलीन है ग्यारहवें गुण स्थान में, वहाँ नए गहन वन में विलीन का अर्थ होता है वो सुत ज्ञान में अटके हुए। क्योंकि अभी प्रवचन सार में पूज्यवर कुंदकुन स्वामी ने, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, जितने वचन हैं उतने नए हैं और जितने नए हैं उतना शुद्ध ज्ञान है, उतना ही शुद्ध ज्ञान है। मतलब शुद्ध ज्ञान को ज्यादा नहीं कहा, जितने वचन हैं उतने नए हैं और उतने ही शुद्ध ज्ञान है। अब जितना शुद्ध ज्ञान है उतने नए हैं, तो बारहवें ग्यारहवें गुण स्थान में तो शुद्ध ज्ञान बहुत पूर्ण है। तो उस शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा उनको कहा नए रूपी गहन वन में। चारे चूरका में बहुत अच्छी बात अमृतचंद सूरी महाराज ने खुलासा किया कि नए और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान कितना होता है जितने नए होते हैं, नए कितना होते हैं जितना शुद्ध ज्ञान होते हैं। दोनों को पर्यायवाची शब्द बनाया, दोनों को एकार्थ शब्द बनाया, और दोनों का एकार्थ बनना बता रहा है कि ग्यारहवें गुण स्थान में शुद्ध ज्ञान की पूर्णता होने से उनको नए रूपी गहन वन में विलीन कहा। शुद्ध उपयोग जब होता है वो भी शुद्ध ज्ञान की ही देन है। उस समय उनके पास नए, जहां जहां शुद्ध ज्ञान है वहां वहां नए हैं, और जहां जहां नए हैं वहां वहां शुद्ध ज्ञान है। ऐसा अविनाभाव संबंध बैठाने से ग्यारहवें गुण स्थान में ये कथन बन जाता है। जिज्ञासा करें श्रीमती आवा जैन भाग्योदय सागर, और इसके बाद तैयार रहेंगे गुरुवर के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाले हमारे दाऊ श्रीमान सीलचंद जी अनोरा। बहुत ही सुंदर प्रसंग गुरुदेव, आपके पावन श्री चरण ललितपुर में पड़े, पूरे आपके सत्संग की प्रेरणा से हमारे सम्माननीय श्री अशोक जैन बरेली वाले श्री अमित जैन निस्सू भाई, बाल ब्रह्मचारिणी बहन शिल्पी दीदी, श्रीमती साधना, श्रीमती श्वेता, अर्पित जैन, पलक जैन, मैत्री वर्धनी, समस्त हमारे सम्माननीय बरेली वाले परिवार जो छेदपाल मंदिर जी की एक दुकान लिए थे बहुत दिनों से, और उन्होंने सहर्ष बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से ये चाबी आपके चरणों में सौंप रहे हैं। जय हो महाराज जी, ऐसा आशीर्वाद दें कि इनको इस दुकान के छोड़ने के बाद इनकी आय और चौगनी बढ़े, कम ना हो। बढ़ रही है, पहले से अभी भी बहुत बढ़ गई है, और आगे तो और बढ़ना है, क्योंकि क्षेत्रपाल की चाबी जो जो समर्पित करेगा वो दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा, ये मैंने पहले ही घोषणा कर दी। क्योंकि तुम क्षेत्रपाल के विकास में सहयोगी बनोगे, अभिनंदन नाथ भगवान तुम्हारे विकास में सहयोगी बनेगा, और जो क्षेत्रपाल के विकास में बाधक बनेगा उसकी जिंदगी में भी बाधाएं बाधाएं आएंगी, ये पहले ही दिन हमने घोषणा कर दी। अबे सारी चाबियां मेरे लिए समर्पित कर रहे हो, पता चलेगा कि वे सारी चाबियां, सबसे ज्यादा चाबी किसके पास है। महाराज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाव किया, और ऐसे भाव सबके बने रहे, सबके करते रहे। प्रबंधक जी को दे दो, और जो जो समर्पित करेंगे अलग से लिफाफे बंद करके रखना भाई है। हाँ, नाम चाबी बदलना नहीं चाहिए, जिसकी है उसी का लिफाफा हो। और इसी के साथ ही हमारे देवगढ़ जी के संरक्षक बनने का परम सौभाग्य हासिल किया है श्रीमती सुशीला बाई, कमलेश जी, आनंद जी, मनोज जी, अंशुल, बबीना वाले परिवार, हमारे आनंद जी मौसिया और हमारे कमलेश जी बबीना संयोजक धार्मिक आयोजन समिति परिवार द्वारा भी प्रथम किस्त नगद दे रहे हैं। और संरक्षक सदस्य दयोदय देवोदय क्षेत्र देवगढ़ का बनने का सौभाग्य हासिल किया, श्रीफल अर्पित करें। श्रीमान राजेंद्र जी शाह इंडी बीजापुर कर्नाटक,
महाराज जी दो दिन पहले इन्होंने दिया था, हम व्हाट्सएप नहीं देख पाए, दो दिन से रोज फोन आ रहे हैं, आज देख लिया होगा। ये भी देवगढ़ के संरक्षक बने हैं, आपके परम भक्त हैं। देवोदय तीर्थ, देवोदय अतिशय तीर्थ देवगढ़ जी, देवोदय अतिशय क्षेत्र देवगढ़। छोटे आए छोटे? हाँ है छोटे। श्रीमान अशोक कुमार जैन, कुसुम लता अंकित अर्पित आशी जैन, एटा एटा निवासी, ये भी देवोदय अतिशय क्षेत्र देवगढ़ के संरक्षक बने हैं। देवगढ़ जी के सदस्य बन, संरक्षक सदस्य बनने का श्रीमान सुधीर जी जैन गोना वाले तालाबपुरा आटा मंदिर के पीछे गोना वाले परिवार भी सदस्य बने हैं। हमारे सम्माननीय श्री अक्षय जी जैन डक्कू, पुत्र श्री मुन्ना लाल जी भानगढ़ कटरा बाजार ललितपुर, ये भी देवोदय अतिशय क्षेत्र देवगढ़ के सदस्य बने हैं। श्रीमान गौरव जी जैन नानटू, सिविल लाइन कृष्णा सिनेमा के पीछे, ये भी देवगढ़ के सदस्य बने हैं परिवार। और ये सब सदस्यता हमारे नरेंद्र जी चूना, आज इनने पूरा आपका आशीर्वाद लेके श्री देवगढ़ जी के सदस्य बने हैं। सोहित जैन, सन ऑफ राजेंद्र जैन, मवेशी बाजार सागर रोड ललितपुर। हमने ये बात कही थी, दो और बोल दो। हाँ बोल दो। श्री देवोदय तीर्थ देवगढ़ जी के सदस्य श्री ऋषभ जैन चुल्ले, पुत्र श्री बिमल लल्ला डुंगासरा वाले परिवार, ये भी बने हैं। और देवगढ़ जी के सदस्य श्री सुबोध जैन अप्सरा LIC वाले परिवार, ये भी सदस्य बने हैं। और हमारे नरेंद्र भाई चूना वाले भी, ये भी सदस्य बने हैं देवगढ़ के। आज इसको छोटा मोटा मत बनाना। अच्छा ठीक है महाराज, राशि बाद में बोल देंगे। देखो भाई, सचिन जैन मल्टू मोदी, ये भी सदस्य बने हैं। अपन ने 8-10 दिन पहले घोषणा की थी, बहुत बड़ा कार्य देवगढ़ मैनेजिंग कमेटी ने समर्पण किया था सभी लोगों ने, और बहुत अच्छा क्षेत्र को, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है तो उसकी व्यवस्था कमेटी भी अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। मैंने कहा था कि भारत के पूरे दिगंबर जैन तीर्थ एक तरफ रख दीजिए और अकेला देवगढ़ एक तरफ रख दीजिए तो भी ये उन सबसे आगे है। सारे तीर्थ बार बार देवोदय तीर्थ एक बार, इतना मूर्ति शिल्प है वहां। तो हमने सबको कहा था, कमेटी से भी कहा था कि प्रत्येक पूरे अश्मेर से, भारत के लोगों से मेरा कहना है और दूसरे ललितपुर आसपास के सब लोगों से कहना कि कमेटी पूरी जाकर के हर कॉलोनी बाई कॉलोनी 10 लाख क्षण पर में 10 दिन के अंदर प्रत्येक ललितपुर के घर से कोई ना कोई सदस्य इसका होना चाहिए। पाली, जाखलोन, आसपास मुगावली, ये जितने क्षेत्र हैं सब में। और आज कमेटी, उस दिन भी कहा था तुमने कमेटी बनाई नहीं, थोड़ा शरीर मोटा ज़्यादा हो गया कमलेश बाबू का। हाँ तो अब सब लोग, और अखिलेश जी तो देवगढ़ के लिए बहुत लगे रहते हैं शुरू से, पूजा पा जो साप्ताहिक रहते हैं, तो आपको अब सबके लिए ये कमेटी आपके पूरे 10 दिन में यही कार्य करेगी। पहले ललितपुर में सब कॉलोनी में संपर्क करे और फिर आसपास मुगावली जितने गांव हैं इन सब में और भी 2-4 लोगों को और जोड़ लेना। हाँ, जोड़ करके और ये कार्य करो। मेरा कहना है 300 से 500 के बीच में सदस्य हो जाए फिर कमेटी बैठे तो हमें भी मजा आएगा। और यदि 400-500 लोग हो गए ना, 300 से ऊपर हो जाएंगे तो उस कमेटी की पहली सभा का सभापति, कमेटी का नहीं मीटिंग का, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। फिर मैं अपने सानिध्य में वह मीटिंग करूं और मुझे बहुत विश्वास हो जाए कि जिस देवगढ़ को हमने इतनी मेहनत से ऊंचाइयां दी हैं, अब ये सैकड़ों ट्रस्टी उसको संभाल करके समाज सुरक्षित करेंगे। तो सैकड़ों लोग बैठे, कभी एक सभा हो और ये सब भी लोग बैठे जो कहें कि ये सब किसके हैं, देवगढ़ के ट्रस्टी हैं। ऐसी बड़ी महासभा हो 10 लाख क्षण पर्व के बाद, इसलिए उस महासभा को जितना ज्यादा हो सके सबको करना है। ये लोग आपके घर घर आएंगे, आप नहीं बनोगे तो देवगढ़ की तरफ से जय जिनेंद्र करके आ जाएंगे। बस आपको एक ही है कि प्रत्येक घर में जय जिनेंद्र करने जाना है, चाहे वो बने या। और मुझे विश्वास है कि तुम जाओगे तो वो बने बिना भी नहीं रहेगा।
सभी लोग बनेंगे महाराज जी। देवगढ़ एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जो पूरे विश्व पटल में पूरे जैन धर्म की आन बान और शान है। जैन धर्म का पूरा इतिहास वहां भरा पड़ा है। जहां पर भी देख लें वहां मूर्ति है, पूरे कण कण में महामूर्ति विराजमान है जैन धर्म की। इसलिए सब लोग सदस्य बनेंगे। बड़े मंदिर जी में 21 कलश की राशि से एक और वेदी का सौभाग्य हासिल किया है हमारे श्रीमान सीलचंद जी, संजीव कुमार जी, श्रीमती मोना चक्रे, अत्सय संबर, निर्जरा, समस्त जोजिया परिवार आए और बहुत ही सौभाग्य की बात एक पूरी वेदी का और मंदिर का इन्होंने सौभाग्य हासिल किया। श्रीमान सीलचंद जी, संजीव कुमार जी, चक्रेश जोजिया परिवार आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। कल जो हमारे एक नाम रह गया था उन्होंने भी 21 कलश की राशि से बड़े मंदिर जी में वेदी का सोपान हासिल किया है। श्रीमान प्रेमचंद चौधरी, पूर्व प्रबंधक बड़ा मंदिर, श्री ज्ञानचंद जी चौधरी, राजेंद्र कुमार चौधरी, सोमचंद चौधरी, समस्त रस्सी वाला परिवार, श्री शांत चंद्र जैन, प्रशांत प्रीति जैन, अजय नीति जैन, मनोज अंजलि जैन, संदना सपना जैन, नीलेश दिशा जैन, धर्मेंद्र, सोनल जैन, सजल जैन, अनुग, समस्त रस्सी चौधरी रस्सी वाला परिवार ये भी आ जाएं और श्रीफल अर्पित करें, जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा हमारे दाऊ। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अनीता जैन सहारा। मेरे गुरुवर निर्यापक मणि पोंगा श्री सुदासा महाराज की कोटि कोटि सार नमोस्तु। गुरुवर बुंदेलखंड में एक कहावत है, हे गुरुवर बुंदेलखंड में एक कहावत है कि दिया तले अंधेरा। हे गुरुवर पूरे देश से शिवरात्रि तो आ रहे हैं और सभी लोग लाभ लेंगे, लेकिन आपने ललितपुर वालों को, शुगर वालों को, हार्ट वालों को, बूढ़े लोगों को और महिलाओं को वंचित किया है। तो हे गुरुवर हमारी जिज्ञासा ये है कि ये लोग कहाँ बैठेंगे और कैसे लाभ लें। महिलाओं का विशेष तौर से है कि हम पीछे बैठकर लाभ ले सकते कि नहीं, जैसे छुलक जी की क्लास है, बिलक जी की क्लास है, आपकी क्लास है। सुनिए सुनिए सीलचंद जी, तुम दुकानदार तो हो कि नहीं, तो पहले माल तुम अपने लगे ग्राहक को देते हो कि उठाऊ ग्राहक को? हाँ तो पहले हमारे शिवरार्थियों को मिल जाते, जगह मिल जाए तो देखेंगे, नहीं तो बाहर जाओ। जय हो, सीधी बात है, दुनिया अपने ग्राहक को पहले दिखा देगी, फिर मिलेगी दिखा तो ठीक, नहीं तो बाहर टीवी में बैठे बैठे लाइव में देखना, लाइव में प्रोशन ही सुनोगे, और तो कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि यहाँ तो शिविर की जो मर्यादा अनुशासन ही है, वह अनुशासन को तो हम किसी भी प्रकार से भंग नहीं करते। 29 साल हो गए, हमने आज तक कोई शिविर में समझौता नहीं किया। कई लोग श्रावक संस्कार शिविर नाम तो रखते हैं, नाम यही रखते हैं। दुनिया में 1991 के पहले श्रावक संस्कार शिविर नाम, और लोगों ने नाम की तो नकल की है। क्या होता है, कोई जब असली नाम रेपुटेड हो जाता है तो नकली लोग भी उस वही नाम रखते हैं। हमने एक बार कहा था कि श्रावक संस्कार शिविर नाम रखना है तो कम से कम उसकी नकल वैसी करो जो यहाँ होती है। नाम तो श्रावक संस्कार शिविर रख लेंगे, महिला पुरुष का इकट्ठा लगा देंगे, नाम श्रावक संस्कार शिविर लगेंगे और सबको छूटे, घर में जाओ, शाम को जाओ, कहीं जाओ और क्लास में आ जाओ, तो ये नाम बदनाम वाली बात है। तो नाम तो कई लोग श्रावक संस्कार शिविर रख रहे हैं, लेकिन इस शिविर का जो सिद्धांत था, कानून था, उसका कई स्थानों पर पालन नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे शिविर तो 29 साल के बाद भी आज भी वही कानून है जो 29 साल पहले था, कि जो शिविर में भर्ती होंगे बस उन्हीं को ही अनुमति है सभी कार्यों में बैठने की। हाँ, प्रवचन में, शाम को जिज्ञासा में, जो तुम्हारे सार्वजनिक कार्य होते थे उनमें आप शामिल रहेंगे। जैसे प्रवचन सार्वजनिक होता है, सब बैठे, जिज्ञासा में, शाम को बाकी जो व्यक्तिगत शिविरों के कार्य हैं उनमें तो वही बैठेगा जो शिविर में एडमिशन लेगा। कुछ कुछ तो मिला महाराज जी, बहुत अच्छी बात, दो आइटम तो मिले ही गए। नहीं, उनको जो बैठने को है, देखो आप लोग सुबह शाम प्रवचन सुनना था, 9:30 9:45 बज जाएंगे,
दोपहर में आपके तत्वार सूत की क्लास लगेगी। हाँ। जो शिवरार्थियों के अलावा इसी पंडाल में तत्वार सूत्र के एक एक अध्याय का अर्थ होगा, इसलिए जो जैन समाज के लोग शिविर में भर्ती नहीं हो महिला पुरुष, वे दोपहर का तत्वार सूत्र जरूर अध्ययन करें। 10 दिन में 10 अध्यायों के अर्थ बताए जाएंगे। हो, यही तो पूछना चाहते थे। नवोस्तु, नवोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जैन सहारा, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जी दुर्रा अशोक नगर। महाराज श्री श्रीमान संस्कृति संस्थान के माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने एक जिज्ञासा भेजी है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमोस्तु। महाराज श्री आपके परम आशीर्वाद से इस वर्ष संस्थान से 532 विद्वान देश के विभिन्न प्रांतों में जैन शासन के प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान से पहली बार 500 से अधिक संख्या में विद्वान 10 लक्षण पर्व में जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाएंगे। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि समाज और विद्वानों के लिए आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, जिससे वह अच्छे से धर्म प्रभावना कर सके। सभी समाज वालों से 10 लक्षण पर्व के जहाँ जहाँ श्रवण से संस्थान के विद्वान जा रहे हैं, इनको आप बहुत अच्छी तरह से समझिए, सुनिए और देखिए कि आप जो इनको 5 साल में क्या ये लेकर के तुम्हारे सामने आए, तुमने कैसे बालक भेजे थे हमारे संस्थान में और संस्थान ने 5 साल में कितना बड़ा विद्वान तुम्हें सौंपा है। जो नमोकार मंत्र भी अच्छे से नहीं आता था, आज वो तत्वार सूत्र का अर्थ तुम्हें प्रवचनों में बताएंगे। 532 लोग स्थानों से जाना अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, और सभी स्नातकों से मेरा कहना है अपनी मर्यादा, अपनी अनुकूलता, अपनी गरिमा, अपनी गंभीरता नहीं भूलना। आपकी उम्र छोटी है लेकिन आपकी गंभीरता होना चाहिए, जैसे आप प्रौढ़ विद्वान हैं। पंडित कभी बालक नहीं होता, पंडित कभी बूढ़ा नहीं होता, जैसे साधु चाहे बालो वा बुड्ढो वा पुरा ग्रहण हो, बालक हो तो भी साधु साधु है और वृद्ध हो तो साधु। कुंदकुंड स्वामी ने कहा साधु ना बालक होता है और ना, इसी प्रकार पंडित ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, पंडित तो पंडित होता है। तो सारे स्नातकों को पंडित की गरिमा से 10 लाक्षण पर्व में जाना है। अपने नियम धर्म, जल्दी उठना, समय करना, भगवान का अभिषेक पूजन अपनी जितनी समय मिले करना, और बहुत गंभीरता के साथ अपने गंभीरता की ड्रेस हो, अपने गंभीरता के लिए अपना बहुत अच्छी तरह लोग समझें कि जिस छोटी उम्र में लोग बाचाल होते हैं, इस उम्र में संस्थान ने इनको इतना महान गंभीर पंडित बना दिया है। तो ये स्नातकों के लिए आशीर्वाद और समाज के लिए आशीर्वाद है कि वो इन विद्वानों का उपयोग करें, प्रोत्साहन दें और गर्व करें कि जिस संस्थान को आप समाज के लोग निःशुल्क चलाते हैं, उस संस्थान में किस प्रकार से अनगढ़ पत्थरों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जैन सहारा, और तैयार रहेंगे विजय जी धुर्रा अशोक नगर। जिज्ञासा करें नमोस्तु गुरुवर। अरे आप जिज्ञासा कीजिए, आपके हाथ में माइक है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे बच्चे को मैंने बचपन से ही ये शिक्षा दी थी कि सांगाने संस्थान में पढ़ाऊं, परंतु जब वह उसकी उम्र इस अवस्था में आई, 16 वर्ष की अवस्था में आई, तो उसका मन परिवर्तित हो गया और कहने लगा मम्मी मैं सांगानेर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैंने कहा कुंडलपुर के शिविर बस अटेंड कर लो तुम। आप जिज्ञासा करें 3 दिन का उसने जो शिविर अटेंड किया महाराज जी, उसका जीवन इस तरह परिवर्तित हुआ कि उसने आते ही साथ मुझसे ये कहा मम्मी मुझे सांगानेर के अलावा कहीं नहीं जाना, और आज उसका इतना तीव्र पुण्य का उदय कि श्रावण संस्कार शिविर मिल गया महाराज जी। कौन सा उसका परिवर्तन ऐसा तीव्र पुण्य का हुआ? जो संस्कार दिया था आपने वह संस्कार बीच बीच में तुमने कभी कभी संदेह किया होगा क्या पता मैं सही कर रही हूँ कि गलत, उसके कारण उसका मन डगमगाया
और बाद में आपने परिणाम सुधार लिए हुए हैं, इसलिए सुबह का भूला शाम को ठिकाने आ गया। ओम शांति। जिज्ञासा करें श्रीमान विजय जी धुर्रा अशोक नगर, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती चंपाबाई जी कुंभराज। चालू है, चालू आप। माइक दे, कहाँ है? माइक को नहीं छेड़े। नमोस्तु गुरुदेव, मैं अनीता सहारा। महाराज जी देशव्रती और अनुरागी किसे कहते हैं? देशव्रती और अनुरागी किसे कहते हैं? अनगारी। देशव्रती अनगारी किसे कहते हैं? अनगारी का अर्थ होता है मुनि महाराज, ऋषि, यति, मुनि, अनगार। तो मुनिराजों को अनगारी कहते हैं। कहीं कहीं एलक छुलकों को भी अनगारी के रूप में मानते हैं। देशवृत्ति हैं लेकिन अनगारी हैं, यानी ग्यारहवीं प्रतिमाधारी इनको देशवृत्ति होकर के भी अनगारी है। आरिका देशवृत्ति होकर के भी अनगारी है। ये माँ की रूढ़ संज्ञा मुनियों के लिए अनगारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक समान श्रावक संस्कार प्रणेता मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समस्त शिविरार्थियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, सन 1993 का वर्ष था और यही स्थल था। हम लोग एक दिन पहले यहाँ आ गए थे और शिविर में भर्ती हुए थे। तब से 29 वर्षों से निरंतर आपकी छत्र छाया में हजारों शिविरार्थी आए और लगभग 60 से 70 संत बनकर देश में विचरण कर रहे हैं। पहले श्रावक संस्कार शिविर के पहले शिविरार्थी मुनि महाराज बनकर पूज्य सागर जी आपके पास मंच पर विराजित हैं। गुरुदेव, ऐसी भावनाएं आपके पास कहां से आती हैं? शांति शांति धारा आपने चालू कराई, पूरी दुनिया की नजर कोरोना में आपके पास लगी रही, जिन्हें हॉस्पिटल से वापस भेज दिया वो जिंदा हो गए। गुरुदेव, श्रमण संस्कृति संस्थान हमारा जो दिगंबर धर्म था, मूल धर्म था, कांजी पंथ के नीचे समाप्त होने जा रहा था। 1996 में आपने एक अभियान चलाया और आज अभी मैं विद्वानों की बात सुन रहा था, लगभग 500। गुरुदेव, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, इस बीच भी आप ये कह देते हैं कि मैं सुखी लोगों को धर्मात्मा बनाना चाहता हूँ, दुखियों से ये संसार भरा पड़ा है और उनके बीच में सुखी आदमी धर्म नहीं करना चाहते। हम उन तक पहुंचते हैं, प्रयास करते हैं, उन्हें आगे लांगने की कोशिश करते हैं, तब भी वह दूर रहते हैं। तो ऐसे में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो क्या करें कि हम आपके संदेश को आगे बढ़ाएं? पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। देखो, सुखी व्यक्ति यदि धर्म के आगे नहीं आता है सुख के समय, तो कल दुखी होकर आएगा तो सही। और मेरा प्रयास रहता है सुखी व्यक्ति धर्म में आ जाए तो दुख कभी आएगा नहीं। आना तो पड़ेगा, चाहे हंसते आ जाओ तो सदा हंसते रहोगे, और रोते आओगे तो जरूरी नहीं कि तुम हंसते जाओगे, लेकिन आना तो पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए आज जो परिस्थितियाँ जिस ढंग की चल रही हैं उसी के रूप में अपना प्रयास है। भुजते दीपक को हाथ लगाना, जितने बच जाएं तो अच्छा है, बाकी जो है सो है महावीर की। जिज्ञासा करें श्रीमती चंपाबाई जी कुंभराज, और तैयार रहेंगे अविरल जैन टीकमगढ़। गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कुमराज से आई ही हूँ, सैयदमती माताजी की माँ हूँ, और कुमराज में सूतमती माताजी सहित चारों माताजियों का चतुर्मास हो रहा है। चारों माताजी ने आपके लिए नमोस्तु बोला है, नमोस्तु बोला है, नमोस्तु। ए गुरुदेव, शंका है कि मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा एक समय में मतलब कितने मोड़ लेती है? पहली बात तो है, तुम आरिका माता की माता तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी माता तो जिनवाणी है। हाँ, तुम उनकी बिटिया जरूर हो सकती है, हो सकती हो नहीं। हाँ, दूसरी बात है कि जब व्यक्ति मरता है, कर्म के योग से ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है कि वो अधिकतम 3 समय में किसी न किसी पर्याय को प्राप्त कर लेता है। ये प्रकृति के द्वारा की हुई व्यवस्था है। विग्रह गतौ कर्म योगः।
जिज्ञासा करें भाई अविरल जी। नमोस्तु बोलना है गुरुदेव, नमोस्तु बोलना। देवोदय तीर्थ देवगढ़ सदर सेतु, श्रीमान अशोक कुमार जैन बैंक वाले, श्रीमती सविता जैन, अनु जैन, तनु जैन, समस्त बैंक वाला परिवार, गांधीनगर ललितपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान ब्रह्मचारी भैया राजेंद्र जी नारेली। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जब हम भक्तांबर जी का पाठ करने बैठते हैं तो शुरुआत के काव्यों में तो खूब भाव विशुद्धि भक्ति से करते हैं, परंतु जैसे ही पूरा काव्य पढ़ते हैं, आगे के काव्य पढ़ते हैं, तो उसका अर्थ यही निकलता है कि बस पूरा काव्य खत्म करना है, पाठ खत्म करना है, वो भाव विशुद्धि नहीं रह जाती जो शुरू में रहती है स्टार्टिंग टाइम पे। तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि हम लोग पूरे टाइम पे भक्तांबर की पूरी विशुद्धि के साथ पढ़ सकें और भक्तांबर की अनंत गुना शक्ति को ग्रहण कर सकें। नमोस्तु। तो आपकी उसकी रुचि के ऊपर है, किसी व्यक्ति को जब मन में अपन हानि और लाभ बैठा देते, जब हमारे मन में ये लाभ बैठ जाए कि ये भक्तांबर की एक एक श्लोक हमारे लिए अमूल्य निधि है, एक एक लाइन हमारे लिए अमूल्य निधि है, तो फिर पूरे भक्तांबर में अपने आप मन लगेगा। और यदि हम ये नहीं बैठा पाते हैं तो व्यक्ति की विशुद्धि धीरे धीरे घट जाती है। तो अपने मन में हानि उपादान, इसका कितना महत्व है, एक श्लोक भी हम छोड़ते हैं तो उससे कितना नुकसान है, ऐसा मन में धारणा बना लें तो फिर विशुद्धि बढ़ जाएगी। ब्रह्मचारी श्री राजेंद्र जी नारेली नहीं है, चलिए आगे श्रीमान भारत भूषण जी अलवर, शीघ्रता से ले लें। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सचिन जैन दमोह। निर्यापक मुनिश्री के चरणों में शशत नमन। मुनिवर मेरी जिज्ञासा है कि शांति धारा में तदास्तु और ततास्तु इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इन दोनों में से कौन सा शब्द उपयुक्त है और उसका क्या अर्थ है, मुनिश्री जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। मूल रूप से दोनों शब्दों के भाव में तो कोई अंतर नहीं है, अच्छा है, लेकिन रूढ़िगत परंपरा में तथास्तु ही बोलना चाहिए, क्योंकि यदि सदास्तु आप बोलते हो तो वो सामने वाले ने बोले ही नहीं है, उसने छोड़ दिया। तथास्तु का अर्थ होता है जैसा आपने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। यदि सदास्तु बोलते हो तो वो तथास्तु तो उसने सदास्तु उसने बोला ही नहीं, तो वो शांति धारा खंडित मानी जाएगी, दोष माना जाएगा। और तथास्तु सब बोलते हो श्री वृद्धिरस्तु हो तथा ऐसा ही हो, तो तथास्तु सब रूढ़िगत परंपरागत है। उस आजकल तत्कलोक थोड़े से बुद्धि का जिनको थोड़ा अजीर्ण हो जाता है, तो ऐसे नए नए शब्द छोड़कर समाज में एक सुरी छोड़ देते हैं। जो परंपराएं चल रही हैं शांति धारा में, आजकल बहुत सारे लोग उष्णा को जोड़ने लगे, वहाँ पर जो मंत्र पढ़ा जाता है उसमें कोई भगवान का नमोकार मंत्र, कोई कुंडलपुर के बड़े बाबा की जाप, कोई शांति विधान की जाप, कोई किसी महाराज की जाप, ये जोड़ने लगे हैं, ये सब गलत है। नमोकार मंत्र में ओम शब्द भी जोड़ दिया तो वो नमोकार मंत्र नहीं रहा, वो अलग मंत्र बन गया। ह्रीम आजकल बहुत फैशन चल रहा है, नए नए लेटेस्ट प्रभाव खत्म हो जाता है, जितना लिखा है उतना ही पढ़ो, उससे ना एक अक्षर कम करो ना एक अक्षर ज़्यादा करो। तो तथास्तु शब्द ही प्रभावमान है। और जो लोग आजकल नए नए मंत्रों को बोल रहे हैं आगे पीछे वो करने के लिए, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। शांति धारा जितनी है उतनी करो, जैसे पंच परमेष्टी की आरती थी ना, अब उसमें इतनी आरती जुड़ती जा रही है, हाँ जो चाहे बोला, अरे भाई लेखक ने पंच परमेष्टी की आरती जोड़ी, तुम छठ में सात में आठ में नौ में और पता नहीं एक आध खुद स्वयं की जोड़ दो, हो जाता नहीं। तथास्तु शब्द ही प्रचलित है, प्रभावमान है, वही बोलना चाहिए, ठीक है। सदास्तु शब्द सदोष नहीं है, लेकिन परंपरागत होने से वो रूढ़िगत भी नहीं। श्रीमान सचिन जी दमोह, शीघ्रता से
पूंगा। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती पप्पी जैन चिरगांव। सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, मैंने एक किताब में पढ़ा है कि अधिक, वो किताब नॉर्मल किसी खास ने नहीं लिखी है, अधिक धर्म में रुचि लगाने से कर्म के प्रति विल पावर कम होता है, धर्म के प्रति विल पावर बढ़ता है कि धर्म से ये काम हो जाएगा संभव, और कर्म उसमें विल पावर कमजोर होता है। इस विषय में महाराज जी समझा जी लो। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। जो प्रमादी होते हैं ना, जुआरी किस्म के लोग होते हैं, जुआरी किस्म के लोग होते हैं, वो धर्म पर इतना विश्वास करते हैं कि वो कर्म पर विश्वास हो जाता है। वो कहते हैं कि भगवान का नाम लो पैंखों पासे खुल जाएगा। लाटरी वाले हुए, जुआरी हुए, डाकू हुए, स्मगलर हुए, ऐसे लोगों के काम हैं कि जो धर्म पर इतना विश्वास करते हैं कि कर्म उनका शिथिल हो जाता है। तो जो गलत लोग होते हैं वो धर्म पर इतना विश्वास बढ़ा लेते हैं कि कर्म को भूल जाते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं उनका धर्म पर जितना विश्वास बढ़ेगा उतने ही वो कर्म में सावधान रहेंगे। एक अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि महाराज का आशीर्वाद हो गया, भक्तांबर पढ़ के आया हूँ, गाड़ी में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, उतार दो गाड़ी, क्योंकि अधर्म में विश्वास कर्म छोड़ दिया। और ज्ञानी व्यक्ति हो कहेगा आज भक्तांबर पाठ करके आया हूँ, आज चूक नहीं होना चाहिए, नहीं तो भक्तांबर बदनाम हो जाएगा। ये है ज्ञानी का लक्ष्य। ज्ञानी हमेशा धर्म करने के बाद सचेत हो जाता है, सावधान हो जाता है। धर्म का अर्थ है नहीं कि तुम्हें निकम्मा बनाना, धर्म का अर्थ है तुम्हें जागरूक करने का नाम धर्म है। श्रीमती पप्पी जैन चिरगांव, इसके बाद तैयार रहेंगे भाई श्री बिक्की जैन चरगुआ। आज की अंतिम जिज्ञासा। शुद्ध आयुर्वेदिक मंजन मंदिर गेट के बाहर बगल में मिल रहा है, जो भी त्यागी वृत्ति शिवरार्थी उसको लेना चाहे आधे मूल्य पर मिल रहा है। नहीं ले सकते, शिवरार्थी नहीं लेंगे। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। पुंगव सुधा सागर महाराज की जय। समस्त मुनिराजों की जय। हे गुरुवर, मैं स्वप्न में 24 घंटा मुझे खजाना देखते हैं, भगवान देखते हैं, मैं क्या करूं, मैं घबरा जाती हूं, और मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे हो, मैं क्या करूं, मेरी ये जिज्ञासा है। खजाना दिखता है तो दिखना तो अच्छी बात है, तो पिक्चर दिख रही और क्या। साक्षात नहीं देख पाओ तो स्वप्न में देख लो, कहीं तो देख रहे, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, ठीक। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमान बिक्की जैन चरगुआ। जगत की आवाज स्लो नहीं किया करो भाई। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज चरगुआ की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, दया और कृपा दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो दया किस पर की जाती है और कृपा किस पर बरसती है, मुनि श्री मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। सामान्य अर्थ रूल अर्थ में सभी एक अर्थवाची, लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो क्लिष्ट जीवों के ऊपर कृपा की जाती है, कृपा की जाती है, और सामान्य जीवों पर जो क्लिष्ट नहीं है उन पर दया की जाती है। दुखी भी नहीं है तो भी दया का बात। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक गुरु अपने शिष्य को दया करता है, अच्छा पढ़ाता है, अच्छा लिखाता है और अच्छे बनाने का प्रयास करता है, ये दया भाव कहलाता है। और कृपा कहलाती है कि जो विद्यार्थी फेल होने लग जाता है तो 10 नंबर का ग्रेस दे देता है। ग्रेस देना कृपा है और उसको योग्य बनाना दया है। दया भाव में कहीं भी दया भाव में ये नहीं लिखा कि क्लिष्ट जीवों पर दया करना, दया लिखा है उन्होंने सबके ऊपर दया भाव करना, चाहे वो क्लिष्ट होवे अथवा ना होवे। किसी भी जीव का अनुग्रह करना, उपकार करना, उसको उठाना, ये दया भाव के अंदर आता है। और किसी का दुख दूर करना वो कृपा के अंतर्गत आता है। बाकी सामान्य रूप से
ये शब्द एकार्थ अर्थ में भी प्रयोग किए जाते हैं। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होगा। आज गुरुवर की एक सभी लोग सुने, आप जितने बैठ जाए अभी, अभी कैसे करोगे? सभी लोग जितने शिवरार्थी हैं अभी अपना रजिस्ट्रेशन करा करके, सभी लोग अपने बालों को छोटा करा ही रहे हैं और जो रह गए हों वो करा ले रहे हैं। और दूसरी बात है, कोई भी प्रकार का मंजन दवाई आदि, आपको दवाई के संबंध में कोई है उसकी हमें सूचना, कल हम लिस्ट बनवा देंगे। कोई मंजन नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई कंघा नहीं, कोई तेल नहीं, कोई भी आपके पास नहीं होगा। आपके पास मात्र तीन साधन रहेंगे, अंडर बिया, बनियान और टावल। इन तीन के अलावा जो रहेगा वो कभी भी जब्त कर लिया जाएगा, और जब्त की हुई चीज वापस मिलने वाली नहीं है। मोबाइल यदि आपके पास पाया गया, आपका जब्त किया जाएगा, वापस नहीं दिया जाएगा। कोई पैसा आपके पास पाया गया, जब्त कर लिया जाएगा, वापस नहीं दिया जाएगा। कोई सोने चांदी की चैन अंगूठी पहने हो तो वो भी अमानती सामान ग्रह में जमा करा दे, उसकी चैन और अंगूठी आदि पहने पाया गया तो भी वो निकलवा दी जाएगी, वापस नहीं दी जाएगी। हाँ, यदि कोई तुम्हारी शुभ शगुन की निशानी हो, सगाई में मिली हो, देखो वो मुझे पता नहीं भाई, मामला गड़बड़ नहीं हो जाए। शगुन के रूप में कोई पहने हो तो बात अलग है, लेकिन सोना चांदी की कोई चैन वगैरह नहीं रखना, उसी में तुम्हारा उपयोग अटका रहेगा। अब तुम नहा रहे धो रहे उतार के रख दी, घूम जाएगी। अब हम पता नहीं, मैंने नहीं रहता तो उतारना पड़ेगा, हम उतरवा लेंगे, पूछ लेंगे। तो एक सब लोग कुल मिलाकर अंडरवियर, बनियान और एक टॉवल, ये तीन चीजें आपकी होंगी। साबुन जो भी है आपको नहाने के लिए, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। नहाने में आपको जो भी खड़िया मिट्टी आदि बनती है वो आपको दी जाएगी, और तेल, कंघा, ऐना, दर्पण वगैरह सब यहाँ व्यवस्था है। आपको कुछ भी नहीं रखना, और जो तीन चीज के अलावा जो चीज़ रखेगा उसके उतने ही नंबर कम होंगे। और यदि बीच में हमें जब्त करना पड़ा तो वस्तु तो जब्त होगी, शायद तुम्हें निष्कासित करना पड़े, और यहाँ का निकाला हुआ जीव संसार में कहीं ठिकाने नहीं लगता है। इसलिए हाँ, खाल को पिछले शिवरात्रि जो निष्कासित हुए ना भाई, आज तक रोते हैं, उसमें ललितपुर के भी एक दो शामिल हैं। हाँ, इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। और आप लोगों को सब अमानती सामान ग्रह में आप अपना सामान बांध के, और मोबाइल पर तो सबसे ज़्यादा शक्ति रहेगी, किसी भी प्रकार का पाया गया वो मोबाइल तो वापस होगा ही नहीं, और सदा के लिए तुम्हें यहाँ से निष्कासित किया जाएगा, सदा के लिए। फिर आगे शिविरों में भी तुम नहीं आ पाओगे। तो इसलिए आप लोगों से बहुत अच्छी तरह कहना है, टावल, अंडरवियर, बनियान के लिए सब छोड़ो, सब घर बार सब विकल्प छोड़ के 10 दिन के लिए गुरु के सानिध्य में आए हो तो गुरु के आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कार्य है, इससे आगे कुछ नहीं। कोई भी मन में नहीं, वचन में नहीं और काया में नहीं, समस्त विकल्पों को छोड़ना। बाकी सारी व्यवस्थाएं समाज कर रही है, महीनों से लगी है, और अभी भी हम भी आप लोगों के लिए इतना समय देंगे। सब कार्यक्रम सुबह ठीक, जिनको अभी जहां भेजें आप आज वहीं चले जाना, जहां कमेटी कहे वहां चले जाना। कल से आपको विधिवत निर्देश दिए जाएंगे, और कल ठीक 5:15 बजे तक सभी लोग वर्णी कॉलेज में बने हुए पंडाल में नहा धो करके, शुद्ध कपड़े पहन करके, सिर को ढक करके, जो ड्रेस होती है, जो शिविर का एक यूनिफॉर्म है, वह यूनिफॉर्म पहन करके 5:15 तक हर व्यक्ति को ध्यान स्थल पर पहुंचना है। आगे के निर्देश बाद में दिए जाएंगे, अभी इतने ही, क्योंकि बहुत सारे शिवरात्रि तो अभी रात में आएंगे, तो कल अभी तो जितने थे उनको दे दिया। पूज्य
गुरुदेव की ससंग चरण सन्निधि में जो श्रावक संस्कार शिविर हर 29वां इस ललितपुर में लगाया जा रहा है, उसमें बहुत से हमारे जो सम्माननीय श्रेष्ठी जन इन शिविरार्थियों को ध्यान, धर्म ध्यान, आराधना, योग साधना आदि कराने में भी अपना योगदान देते हैं। ऐसे हमारे सम्माननीय श्री हुकुमचंद जी काका कोटा, सम्माननीय श्री दिनेश जी गंगवाल एवं सभी हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैयागण, सुकांत भैया जी, हमारे विनोद भैया जी और जो भी सम्माननीय ब्रह्मचारी भैयागण हैं, पूरे 10 दिन बड़े मनोयोग से, अंतर मन से आप सबको धर्म ध्यान आराधना और साधना में आपके साधक बनेंगे। उन सबको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, आए और आज गुरुदेव की पावन आरती करने का सौभाग्य हासिल करें। आइए, आरती की थाली दे दें आदरणीय सुकान भैया और सभी जो भी ब्रह्मचारी भैया गण है, मुझे नाम नहीं मालूम भैया का, सभी भैया जी लोग आ जाएं। केवल जो हमारे ये कह लें कि इस श्रावक शिविर में अपना आपको सिखाने में योगदान और आपकी व्यवस्थाओं में योगदान दे रहे हैं, वही लोग आ जाएं और आरती करेंगे। कृपया आरती लगा दें। श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्य आयोजक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार।